नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फाइन लाइन्स, रिंकल्स या झुर्रियाँ, जो भी आप बोल लें, उम्र बढ़ने की निशानी होती है। दोस्तों, जब 35 साल से उम्र बढ़नी शुरू होती है, उससे पहले तो एकदम यूथ वाली स्किन होती है, लेकिन 35 साल के बाद क्या होता है, जो हमारी स्किन है दोस्तों, वो रिलेटिवली थोड़ी सी पतली होना, सूखी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी कोशिकाएं हैं या हमारी जो स्किन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो लचीलापन होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। और लचीलापन कम होने के वजह से हमारी जो स्किन है वो अपने डैमेज को बचा नहीं पाती है, रोक नहीं पाती है, और जिसके वजह से हमें फाइन लाइन्स दिखने शुरू होते हैं। जैसे सभी हम हंसते हैं या एक सैड एक्सप्रेशन बना के रखा है, या यहाँ हमारे फोरहेड की जो स्किन होती है वहाँ पे आपको दिखेगा ऐसे ऐसे लाइन बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी जो जो आप बोल रहे हैं एक्सप्रेशंस के निशान आते हैं, उसको आप झुर्रियाँ यानी कि रिंकल्स बोल सकते हैं। दोस्तों, ये देखने को ऐसा मिलता है कि हाँ, ये उम्र बढ़ने के बाद देखने को मिलती हैं, 40-45 का हो गया इंसान तब देखने को मिलती, लेकिन आजकल लोगों के जो लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसके वजह से वो बहुत कम उम्र में भी उनके अंदर ये सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों। तो सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि उम्र एक कारण होता है फाइन लाइन्स के आने का, बहुत ज़्यादा इसके बाद के भी कारण बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं बताऊँ, अगर आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, आप धूप में ही काम करते हैं, तो जो सन रेजेज होती हैं दोस्तों, हमारे जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनको वो तोड़ना शुरू कर देती हैं, और उसके टूटने की वजह से आपकी स्किन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी नहीं रह जाती, और आपके चेहरे पर आपको फाइन लाइन्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी जो बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग से दोस्तों आपका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में नहीं पाई जाती, ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल दिखने लगता है, रूखा दिखने लगता है, और उससे भी आपको फाइन लाइन्स आने लगती है। तीसरी कारण बहुत ही, जैसे क्योंकि ये सारी चीज़ें आजकल लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं अल्कोहल, तो उससे भी क्या होता है दोस्तों, अल्कोहल यानी कि शराब पीने से भी आपकी जो स्किन की नमी है वो बहुत ख़त्म होने लगती है, और उस सूखनेपन के वजह से, उस स्किन के सूखने की वजह से आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो ख़त्म होने लगती है, और आप में फाइन लाइन्स दिखने लगते हैं। ये तो हो गया लाइफस्टाइल रिलेटेड। कुछ न्यूट्रिशनल, अगर आप सही से अच्छे से भोजन नहीं लेते हैं, आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो भी आपके रिंकल्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथ ही पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी रहती है दोस्तों आपके शरीर में, तो भी आपकी शरीर में जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सूखी हो जाएगी, और सूखने के बाद उनकी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, जो कॉज है कि उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म होने लगती है, एकदम खराश सी लगती है स्किन पे, और आपके स्किन पे फाइन लाइन्स दिखने लगते हैं। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट कॉमन यू कैन से कि स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्लीप का कम होना, नींद कम लेना, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाली लाइफ और स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होती है आपके फेस पे या फाइन लाइन्स के दिखने, यानी कि रिंकल झुर्रियों के दिखने का। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन कारण हैं, कॉमन कॉजेज हैं, जिसके वजह से आपको रिंकल्स यानी कि जो झुर्रियाँ हैं वो हो सकती हैं। आप अगर कुछ चीज़ें जो बिना दवा के आप ठीक कर सकते हैं, जैसे कि पानी आप अच्छे से पिएं, भोजन बहुत अच्छे से लें, भरपूर भोजन करें, न्यूट्रिशन सहित लें, हरी सब्जियां ज़्यादा अच्छे से खाएं, तो दवा ही नहीं खानी पड़ेगी आपको, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हेल्दी एंड ग्लोइंग लगने लगेगी। लेकिन अगर कोई कॉज है इसके पीछे, जैसे स्ट्रेस वाला कॉज है, तो कोशिश करें अपना स्ट्रेस को थोड़ा कम रखें, नींद अच्छे से लें, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके फेस पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगी। ये तो हो गई कुछ ऐसे जनरल बातें कि हाँ, आप ये चीज़ें घर में कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब कुछ होम्योपैथिक दवाओं की। आपको मैं 5 ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताऊंगी दोस्तों, जिसको आप यूज़ करके, और हाँ, ना सिर्फ बड़ों में, मैं बच्चों को भी साथ में ऐड ऑन करके बताऊंगी कि अगर बच्चों में भी, बहुत सारे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जो बहुत छोटी उम्र में भी उनकी स्किन एकदम सूखी सी, अजीब से लटकी हुई सी दिखती है, तो आप उन बच्चों को भी ये दवा दे सकते हैं। ये पूर्णतः सेफ़ है, और आपको उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों, बच्चों से ही शुरू कर लेते हैं, और उस बड़ों में भी ये चीज़ है तो वो भी ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कैल्केरिया फॉस। दोस्तों ऐसे बच्चा या ऐसा इंसान बड़ा भी है अगर, जिसका चेहरा बहुत अजीब सा आपको दिखता हो, बिल्कुल लटकी हुई सी स्किन, झुर्रीदार सूखी सी स्किन दिख रही हो, और पूरे शरीर इवन उसका बहुत स्किन लूज लूज सी झूली झूली सी दिख रही हो, लेकिन जो इंसान हो बहुत दुबला पतला हो, तो दो मैं बताऊंगी कैल्केरिया कार्ब आपको कब देनी है, फॉस कब देनी है। फॉस उन इंसानों को दीजिए, उन पेशेंट्स को दीजिए जो बहुत दुबले पतले हों, तो आप कैल्केरिया फॉस की 30% लेकर दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम लें। बच्चों को दे रहे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं, तो आप एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। और यही चीज़ शिफ्ट हो जाती है कि सेम ऐसी ही कंडीशन आपको, कि स्किन बहुत ज़्यादा लूज, आपको यहाँ माथे पे लाइंस दिख रही हो, स्किन बहुत झुरी झुरी सी लग रही हो, लेकिन जो बंदा हो, जो पेशेंट हो, वो चबी हो, मोटा तगड़ा दिखता हो, उसके उस कंडीशन में आपको कैल्केरिया कार्ब देनी है 30% में, दो बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम, बड़ों के लिए एक एक बूंद 3 बार छोटे बच्चों को, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को दे दें। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे दोस्तों, अगर आपके सिर्फ माथे पर, यहाँ पे बहुत सारे आपने देखे होंगे मेल्स में स्पेशली ज़्यादा देखने को मिलता है, महिलाएं तब भी अपने आप को मेकअप करके ठीक रख लेती हैं, बट पुरुषों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो अगर आपके यहाँ फाइन लाइंस दिख रही हैं, आपके माथे पर निशान पड़ते हुए दिख रहे हैं, मेल है, उनको थोड़ा गैस्ट्रिक ट्रबल भी साथ में रहती हो, आप लाइकोपोडियम उनको दें दोस्तों, बहुत अच्छी काम करेगी उस पर। लाइकोपोडियम की 30 नंबर की पोटेंसी आप लें, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम लें, आपकी फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को वो ठीक कर देगी। साथ में जो कॉज हैं उनको भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर वो कॉज बना रहेगा तो वो कंडीशन बेटर नहीं करने देगा। तो जिन कारणों की वजह से हो रहा है, पहले इस चीज़ को रूल आउट ज़रूर करें कि आखिर क्या ऐसा कारण है जो आपको ये चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी स्किन पे, उस कारण को ढूंढ कर उसको कोशिश करें ख़त्म करने की, तो इवन विदाउट मेडिसिन भी आप इन चीज़ों को ठीक रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एब्रोमा, नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एब्रोटेनम, 30% में आपको लेना है, स्पेशली महिलाओं पे ये बहुत अच्छी काम करती है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस भी आपको साथ में रहते हैं, और आपके चेहरे पे, आपके यहाँ आईज के नीचे अगर आपको फाइन लाइंस दिखती हैं, आपको निशान छोटे छोटे बहुत सारी महिलाओं में देखा है मैंने, कि एकदम महीन महीन से आईज के नीचे उनके ऐसे लाइनिंग दिखनी शुरू हो जाती है, लिप्स के आसपास दिखने लग जाती है, तो आप एब्रोटेनम 30% में लें, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे दोस्तों, अगर बच्चों में भी अगर बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है, बस स्किन बहुत ज़्यादा लूज सी दिख रही है, तो आप उस, और ना ही बच्चे, आप बुजुर्ग बड़ों को भी दे सकते हैं, साइलीशिया 6X में बहुत अच्छी काम करती है दोस्तों, उसकी 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम खाएं, आपको फाइन लाइंस, ओपन पोर्स सब में ये बहुत अच्छी काम करती है, इस सबके इफेक्ट को वो ख़त्म कर देगी। तो आपको ये दवा लेनी, बच्चों को दे रहे हैं तो 2-2 गोलियाँ दे दीजिए, बड़े ले रहे हैं तो 4 ले लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों बहुत अच्छी काम करती है महिलाओं पुरुषों दोनों के ऊपर, अगर आपको चेहरे के साथ साथ आपके गर्दन तक पे आपको लाइक फोल्ड्स दिख रहे हैं, रिंकल्स दिख रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा थोड़ा मेंटली डिप्रेस टाइप रहते हो, थोड़ा सा सेपरेट रहना सबसे पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, आपको नमक खाने की बहुत इच्छा होती हो, थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस भी रहता हो, इन सारी कंडीशन में महिलाओं में और पुरुषों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी इशूज़ होते हो, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, तो आप नेट्रम्यूर ट्राई करें, नेट्रम्यूर 30% में आपको लेनी, बहुत अच्छी काम करती है दोस्तों, आपके मेंटल स्फीयर को भी बहुत अच्छे से इफेक्ट करेगी, आपको बहुत अच्छा दिमागी सुकून भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपकी जो फाइन लाइंस वाली प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो झुर्रियों की परेशानी है वो उसको भी ठीक करेगी। तो इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें डायरेक्टली ऑन टंग, आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। ये बात हो गई दोस्तों दवाओं के बारे में, एंड करते करते वीडियो एक बहुत एक छोटा सा आपको फेस पैक बताऊंगी जो आपको आराम से आपके घर के आसपास मिल जाएगी, उसमें सिर्फ मात्र आपको एक चीज़ लेनी है, वो है बनाना, बनाना यानी कि केला। केला को आप में क्योंकि बहुत ही अच्छी एंटी रिंकल प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो वो आपके चेहरे से जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, उसको हटाने में बहुत मदद करता है। तो आपको क्या करना है, बस एक केला ले लीजिए, उसको छीलिए, और जो उसका फ्रूट है उसको आप एक स्पून में निकाल के अच्छे से क्रश करके एक पेस्ट जैसा बना लीजिए, पेस्ट बना के आप उसको अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लें, लगा के कम से कम 20 मिनट छोड़ के रखिए, वापस से जब सूखा सा फील होने लगे तो आप उसको आप गुनगुने हल्के से गुनगुने पानी के साथ हल्के से स्क्रब करते हुए निकाल दें,
और हफ्ते में 2 बार आप ऐसा करिए, आपके 1 महीने के अंदर आपके चेहरे पे बिल्कुल जान सी आ जाएगी। जितना आप डल सा फेस फील करते हैं वो उसको वो बिल्कुल निकाल देगा, क्योंकि आपके बनाना में इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज, एंटी रिंकल प्रॉपर्टी होती है कि वो आपकी फाइन लाइन की जो कंडीशन है, जो आपकी सेल्स डेड हो रही हैं, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो रही है, उन सबको रीग्रो करने में, उसको पहले जैसा बनाने में बहुत मदद करेगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो जो मेडिसिन बताई है मैंने, आप उसको ट्राई कर सकते हैं और अपनी फाइन लाइन प्रॉब्लम्स को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। दोस्तों तो वीडियो अगर कैसा लगा है लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।